हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDST ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, 16 फरवरी 2024 को जैकपॉट क्लास 10th का गणित का बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों का 30 MCQ और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सभी को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। एक्चुअली यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा, सभी जेक के द्वारा ही 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए और 4 सेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। टोटल 5 सेट हो जाएगा। 5 सेट को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। मैंने सब्जेक्टिव सोशल साइंस के लिए जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन आया था। तो मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मैच करेगा। देखिए, मैथ में बहुत सी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव में अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आपका 80-90 मार्क्स आराम से आ जाएगा, खासकर गणित में। ठीक है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली समझना है आपको गणित में। तो चलिए, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बाकी जो आपका वायरल क्वेश्चन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और मैंने 2009 से लेकर 2023 तक में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसका वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 बार 6 बार तक रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन सबको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है 30 MCQ और 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2×3×7×11, दूसरा ऑप्शन है 2×2×3×13, तीसरा ऑप्शन है 2×2×11×13 और चौथा ऑप्शन है 2×2×3×7×13। तो यहाँ पर देखिए, 156 को इस तरीके से गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2×2×3×13। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15, पहला ऑप्शन शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा अशांत अनावर्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अंश में कुछ भी रहे लेकिन हर में यानी कि नीचे 2 का गुणनखंड या 2 का गुणनफल या 5, दोनों में से एक रहेगा तो इजली शांत हो जाता है। यहाँ पर देखिए 15 है तो 3×5, 5 है मतलब इजली हो जाएगा शांत। देखिए नेक्स्ट, अगला 3 नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के संयोगों की संख्या निम्न में चुने। तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। इसको आप लोग, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आना ही आना है। बात अलग है कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पैटर्न रहेगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक्स में कितना बार ये जो सांप जैसे दिख रहा है, ये वाला कितना बार कटा है एक्स में। तो यहाँ पर देखिए, 1 बार कटा है, 2 बार कटा है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार। तो पी एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, सिंपल। और अगर मानकर चलिए बस ऐसे रहता तो 1, 2 बार कटता तो px का वैल्यू 2 हो जाता, और इस तरीके से रहता तो देखिए x में एक बार भी नहीं कटा है तो यहाँ पर px का वैल्यू 0। इसको समझना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आना ही आना है, px का वैल्यू। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, द्विघात बहुपद x²-7x+12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है -7, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 7। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 7। यहाँ पर शून्यकों का योग 7 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म a1x+b1y+c1=0 तथा a2x+b2y+c2=0 का कोई हल नहीं होगा यदि, पहला ऑप्शन है a1/a2=b1/b2=c1/c2, दूसरा ऑप्शन है a1/a2=b1/b2=c1/c2, तीसरा ऑप्शन है
ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, और चौथा ऑप्शन है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला छः नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो के द्वारा निरूपित रेखाएं। पहला ऑप्शन है संपाति, दूसरा समांतर, तीसरा प्रतिच्छेदी, चौथा लंबवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिच्छेदी। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का हल है। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। तीसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इसका समीकरण का हल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर, p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है। पहला ऑप्शन है p इज इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन है p इज नॉट इक्वल टू 2, तीसरा ऑप्शन है p इज इक्वल टू माइनस 2 और चौथा ऑप्शन है p इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, p इज नॉट इक्वल टू 2। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तीसरा ऑप्शन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं समान, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक एवं असमान, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है वास्तविक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वास्तविक एवं असमान। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा, के का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 होगा, के का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, ए पी 24 21 18 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा। तो बस अगला पद से पिछला पद को माइनस कर देंगे, 21 माइनस 18 तो यहाँ पर 3 आएगा, बस 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, ए पी 27 12 डॉट 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 का दसवां पद क्या होगा। पहला ऑप्शन है 245, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 47। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 11वां पद 12वां पद फॉर्मूला लगाइएगा, इजीली निकल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, समरूप त्रिभुज के संगत कौन खालिस्थान होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कौन खालिस्थान होते हैं। पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा समानुपाती, तीसरा समांतर, चौथा लंबवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बराबर होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BE हो तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। तो यहाँ पर AD का मान बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 21.6, दूसरा ऑप्शन है 2.6, तीसरा ऑप्शन है 2.4, चौथा ऑप्शन है 3.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2.4। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B का वैल्यू क्या होगा, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा 90 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी, पहला ऑप्शन है √6 मात्रक, दूसरा 4√2 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है 3√2 मात्रक, चौथा 2√2 मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2√2 मात्रक। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दूरी सूत्र से इजली बन जाएगा, दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकल जाएगा, ऊपर दूरी सूत्र से निकल जाएगा। देखिए मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाइएगा, पहला ऑप्शन है 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 5/2, 7/2, तीसरा ऑप्शन है 3/6 और चौथा ऑप्शन है 6/12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3/6। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, यदि ए 0, 0, बी 5, 0, सी 0, 6 तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको भी फॉर्मूला लगाइएगा, इजीली बन जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 30 वर्ग मात्रक, दूसरा 15 वर्ग मात्रक, तीसरा 60 वर्ग मात्रक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 15 वर्ग मात्रक। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो टेन ए का मान क्या होगा। टेन साइन को सबका आप लोगों को वैल्यू याद कर लेना है। तो देखिए टेन ए का वैल्यू 4/5, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 4/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3/4, टेन ए का वैल्यू 3/4 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, यदि 2 sin² a इज इक्वल टू 1 तो एंगल ए का मान क्या होगा। एंगल ए का मान क्या होगा, पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 0 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 45 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 का मान होगा। पहला ऑप्शन है कोस 6 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है साइन 6 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 0। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब याद कर लेना है आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, 23 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। पहला ऑप्शन है 30 मीटर, दूसरा 15√3 मीटर, तीसरा 10√3 मीटर, चौथा 20√3 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 10√3 मीटर। इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है तो इसका कितना स्पर्श रेखाएं हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, आकृति में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री तो एंगल PTQ बराबर है, PTQ का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, तीसरा 80 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 70 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr² तो बस सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग, पाई पाई कट जाएगा, r और r स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर 2 आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रक ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है 7 मीटर। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर 154 मीटर स्क्वायर, दूसरा 54 मीटर स्क्वायर, तीसरा 154/7 मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 49
मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 154 मीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा और वहीं पर घोड़ा घास चर सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। सबसे लंबा बांस तो कमरा इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर सबसे लंबा बांस, तो यहाँ पर जो विकर्ण है बस उसी को निकाल देंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है 12 मीटर, दूसरा 17 मीटर, तीसरा 21 मीटर, चौथा 19 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 17 मीटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को खालिस्तान कहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर से कम प्रकार का तोरण, दूसरा आलेख अधिक प्रकार का तोरण, तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 15%, चौथा ऑप्शन है 0.72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है हमेशा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि 1 से ये बड़ा है, 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 क्वेश्चन में से कितनों का आंसर ऑलरेडी आप बिना बताए सॉल्व अभी कर सकते हैं। ठीक है, पहले से ही सब पता था आपको, कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, उसमें से कोई 6 सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, कोई 6 सॉल्व करना है, पर यहाँ पर मैं सभी को सॉल्व करके बताऊँगा। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो इसका हल देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का घात 5 गुना 3, 2 का घात 5 गुना 3, वहीं पर 404 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का घात 2 गुना 101। अब यहाँ पर देखिए HCF हम लोग निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से भी 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, कॉमन हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर = 4, तो यहाँ पर HCF 4 आ जाएगा। अब देखिए LCM का फॉर्मूला होता है LCM = संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या गुना कर देंगे 96 × 404 बटे HCF, HCF का वैल्यू अभी अभी 4 निकाले हम लोग, बटे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9696 आ जाएगा, तो यही इसका LCM हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, LCM, HCF ये सब बचपन में आप लोग सीखे हैं, अभी 10 क्लास में फ्री फोकट में 10 नंबर मिल जाएगा, प्रैक्टिस बस करना है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका उत्तर देखिए, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, मान लेना है 2 शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग फल -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो उसी को लिखेंगे, अतः α + β = -3, क्योंकि योगफल -3 है। अब α + β का फॉर्मूला होता है -b/a, वहीं पर α × β यानी कि गुणनफल देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और α × β गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो इसको लिखेंगे c/a। अब देखिए यदि a = 1 तो b = 3, c = 2 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, ये आपका द्विघात बहुपद आ चुका है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। मान लें त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करें। बीसी ज्ञात करना है, बीसी ये ज्ञात करना है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 64, तो इसको 64 लिख देंगे। फिर डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया गया है 121 लिख देंगे। बी सी, बी सी तो निकालना है, बी सी को बी सी छोड़ देंगे और यहाँ पर ई एफ, ई एफ का वैल्यू दिया गया है 15.4, तो लिख देंगे 15.4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर है बराबर का इधर आकर रूट हो जाएगा, तो रूट 64 का वैल्यू 8 होता है, रूट 121 का वैल्यू 11 होता है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब 8/11 बराबर बी सी बटे 15.4। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी का वैल्यू आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक्स अक्ष प्रवाह बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो इसका हल देखिए, माना एक्स अक्ष प्रवाह बिंदु पी है जिसके बिंदु के निर्देशांक पी एक्स कोमा 0 है। तो यहाँ पर देखिए ए बी इस तरीके से एक दूरी है और यहाँ पर हम लोगों को पी बिंदु निकालना है, समदूरस्थ बिंदु। तो देखिए, चूंकि ए पी बराबर पी बी, अब देखिए यहाँ पर पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर। अब देखिए पी ए, पी ए का हम लोग दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। पी ए का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो रूट है, ये वाला जो रूट है ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू ये आपका एक्स टू है और एक्स वन ये है, उसके बाद वाई टू आपका 0, वाई वन -5। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग पी बी का दूरी सूत्र का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो उसका हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद 0+5 का होल स्क्वायर है तो इसको फॉर्मूला में पुट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिंपली इसको 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर इधर भी हम लोग फॉर्मूला में इसको हम लोग फिट कर देंगे जैसे इधर किए थे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा प्लस -4x इज इक्वल टू 81-25। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -8x बराबर 56। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 56/-8 बराबर -7। x का वैल्यू -7 आ चुका है। अभीष्ट बिंदु -7,0। x का ही तो निकालना था, y तो 0 ही रहेगा, तो x देखिए -7 और यहाँ पर जो अभीष्ट बिंदु है -7,0। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर, मान निकाले, मान निकालना है। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ये तो कोसिन उतार दिए हैं, नीचे यहाँ पर बस वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख देना है, दो के लिए दो लिख देंगे। अब देखिए tan tan 45 का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, 2 × 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। उसी प्रकार से इधर देखिए कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 के लिए 2 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पर 1/√2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस के लिए माइनस, फिर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर देंगे तो 2 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और एक की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए उत्तर, त्रिभुज ओ टी ए, त्रिभुज ओ टी ए में देखिए ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय से है। यहाँ पर अगर हम लोग ओ टी को आधार मान लेते हैं, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला से है। अब ओ टी के लिए ओ टी स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद ओ ए का वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस ए टी का वैल्यू 4 है, तो 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, तो माइनस करेंगे तो 16 माइनस कर देंगे 25 में 9 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर ओ टी लिखेंगे, स्क्वायर बराबर का दूसरे साइड जाकर रूट हो जाता है, तो रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 का वैल्यू 3, तो इस प्रकार से ओ टी बराबर 3, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ओ टी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हल देखिए, वृत्त की परिधि होता है 2πr, वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, परिधि बराबर 22, फॉर्मूला है 2πr, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 22/7, फिर पाई, फिर r के लिए r लिख देंगे। अब r का वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 × πr² πr² 1/4 × πr², बस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/4, फिर पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर देखिए 7/2 स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, सॉल्व करते जाएंगे तो 77/8 आएगा, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर² वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, एक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, दूसरा एक विषम संख्या। तो देखिए हल, चूंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, यथा 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही होता है, संभव परिणाम की संख्या 6, 1 से 6 तक। अब देखिए पहला नंबर ए नंबर, इसमें 3 अभाज्य संख्या है जैसे 2, 3 और 5, अनुकूल परिणाम की संख्या 3, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 3/6 = 1/2, यही इसका आंसर हो गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, एक विषम संख्या निकालने की प्रायिकता, इसमें 3 विषम संख्या है 1, 3 और 5, अनुकूल परिणाम की संख्या 3, प्रायिकता यहाँ भी 3/6 हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर, यहाँ पर भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए 39 नंबर, सिद्ध करें कि 3+4√5 एक अपरिमेय संख्या है,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता ही है लगभग लगभग हर एक साल, बस यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू अलग अलग रहेगा लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए नेक्स्ट, माना 3 जोड़ 4 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, बस अभी हम लोग माने हैं, माना आप लिख सकते हैं माना कि देखिए 3 जोड़ 4 रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए 3 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, 4 रूट 5 बराबर 1/b -3। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 5 को एक साइड ही रहने देंगे, 4 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए √5 बराबर a बाय 4a -3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 तो यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दो बार कैसे हो गया, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए एक संख्या ये है दूसरा संख्या ये है, तो 4 को जब बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो दोनों में लिखेंगे, दोनों के नीचे लिखेंगे अलग अलग, ठीक है अलग अलग लिखेंगे, या फिर एक बार लिखना है तो ब्रैकेट लगाकर सिर्फ एक बार लिख सकते हैं 1/4 ऐसे करके, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दोनों में लिखना पड़ेगा। अब इसको देखिए, चूँकि ए और बी एक पूर्णांक है अतः 1/4a -3/4 इज इक्वल टू एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक परिमेय संख्या है परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 जोड़ 4 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 जोड़ 4 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा पेचीदा भी है, थोड़ा सा समझिएगा तो इजली ये बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म x-y+1 = 0 और 3x+2y-12 इज इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए x-y+1 = 0 इसको समीकरण एक मान लेंगे, फिर 3x+2y-12 = 0 को इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे। समीकरण एक से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए x-y+1 = 0 यहाँ पर देखिए y का वैल्यू निकालेंगे, y = +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर, देखिए x-y+1 = 0 तो यहाँ पर -y को लिख दिए हैं, बराबर -1 इधर आ गया और यहाँ पर जो x है इधर आकर -x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब -y बराबर यहाँ पर देखिए 1 में भी माइनस है और x में भी माइनस है तो दोनों को कॉमन निकाल देंगे तो 1+x बच जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा y = 1+x तो वही यहाँ पर लिखा गया है y = 1+x या x+1 बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से चार्ट बनाना है, ऊपर x लिखना है नीचे y लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग x का वैल्यू कुछ रखेंगे, 0 रख देते हैं पहले तो y का वैल्यू 1 आ जाता है, और जब x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है। और इसको कैसे वैल्यू निकाले वो भी देख लीजिए, यहाँ पर y = x+1 है तो x का वैल्यू यहाँ पर जैसे रखा गया है 0 तो 0 रख देते हैं, तो देखना है y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू 0+1 = 1 आया तो वही यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार -1 रखते हैं, y = x+1 तो x के स्थान पर -1 रखेंगे तो इधर +1 y = दोनों माइनस प्लस कट जाएगा तो y = 0 आया है, तो यहाँ पर देखिए y = 0। अब यहाँ पर देखिए समीकरण दो 3x+2y-12 = 0 देखिए 2y = 12 - 3x
ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स। अब वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स बाय टू। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू चार रखेंगे तो y का वैल्यू जीरो, और x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू छः आएगा। अतः यहाँ पर देखिए ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पर x का वैल्यू जीरो है और y का वैल्यू वन। तो x का वैल्यू यहाँ से जीरो जाएंगे, जीरो में तो हैं हम लोग, और y का वैल्यू वन यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर जीरो वन। फिर देखिए दूसरा माइनस वन जीरो, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन, एक्स का वैल्यू इधर देखिए माइनस वन, और वाई का वैल्यू जीरो, ऊपर कहीं नहीं जाएगा तो यहीं पर डॉट लग जाएगा। तो दोनों को हम लोग मिला देंगे इस तरीके से और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मेन पॉइंट आपका यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, दोनों को मिला दिए हैं। और देखिए दो रेखा यहाँ पर, एक दूसरा, दोनों कटा कहाँ पर है, यहाँ पर, दोनों का सीधे मिला दीजिए। तो y वाला में तीन कट रहा है तो y बराबर तीन हो जाएगा, और x में देखिए यहाँ पर दो में कट रहा है तो x इज इक्वल टू दो हो जाएगा, यानी कि अभिष्ट बिंदु हो जाएगा दो कोमा तीन, दो कोमा तीन। तो यहाँ पर देखिए x बराबर दो, y बराबर तीन। बस इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करना है, एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हल देखिए, ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7, क्योंकि 7 अधिक है इसलिए प्लस कर देंगे। अब देखिए ए 17 माइनस ए 10 बराबर 7, बस आगे पीछे कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ए सत्रह माइनस ए 10, बस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, बराबर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D का वैल्यू 7/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सार्व अंतर इसका 1 आया है, D इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। तो इसका हल देखिए, माना X अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक X 0 है। अब देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है Y इज इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y1 बाय M1 प्लस M2। वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पर जीरो है, तो इसको हम लोग वाई का वैल्यू जीरो रख देंगे, M1 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर वाई टू यहाँ पर 5 है तो गुना 5 कर देंगे, फिर प्लस के लिए प्लस लगा देंगे, फिर M2 के लिए M2 लिख देंगे। फिर देखिए Y1 का वैल्यू -5 है तो यहाँ पर -5। अब यहाँ पर M1 प्लस M2 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो जीरो के साथ गुना हो जाएगा, और जीरो के साथ कुछ भी गुना होने से पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो इसलिए अगला स्टेप में आपको M1 प्लस M2 यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो के साथ गुना होकर वो जीरो हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जीरो इज इक्वल टू 5M1 माइनस 5M2। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, M1/M2 कर देंगे, M1/M2 इज इक्वल टू 5/5 सॉल्व करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा इस तरीके से। अतः अभिष्ट अनुपात 1:1, ये हो गया इसका आंसर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, बिंदुओं ए -5-1, बी 3-5 और सी 5-2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को MCQ में भी देखने को मिला था क्वेश्चन। देखिए हल, माना त्रिभुज के शीर्ष ए -5-1, बी 3-5 और सी 5-2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2
इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये आपका एक्स वन है, ये आपका एक्स टू है और यहाँ पर एक्स थ्री है। उसी प्रकार से यहाँ पर वाई वन है, ये आपका वाई टू है और ये वाला आपका वाई थ्री है। बस वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास एक बट्टे दो गुना चौंसठ आ जाएगा, काट देंगे तो बत्तीस आ जाएगा। तो यहाँ पर बत्तीस वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौवालीस नंबर की ओर। सिद्ध करें, चौवालीस नंबर सिद्ध करना है, अंडर रूट एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर एल एच एस से सॉल्व करेंगे और आर एच एस ले आएंगे हम लोग। एल एच एस में देखिए, अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए है, तो यहाँ पर देखिए वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे सेम सेम संख्या से। तो सेम सेम चीज से गुना करेंगे, ऊपर वन प्लस साइन ए, नीचे भी वन प्लस साइन ए, बस गुना कर दिए हैं क्योंकि इसको काटेंगे कट जाएगा तो एक आएगा, एक को इससे गुना करेंगे कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। अंश और हर में वन प्लस साइन ए से गुना करने पर, अब देखिए गुना करने से यहाँ पर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा दो बार, नीचे वन प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए वन प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कोस स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर कोस स्क्वायर और यहाँ पर देखिए वन प्लस साइन ए स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो इसका हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद वन प्लस साइन ए, यहाँ पर देखिए रूट भी है तो ये वाला जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर दोनों में से कुछ नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट जो अंदर है वन प्लस साइन ए बाय कोस ए को लिख देना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए वन प्लस साइन ए बाय कोस ए, तो वन बाय इसको हम लोग कोस ए लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर प्लस देकर प्लस साइन ए बाय कोस ए, यानी कि कोस दोनों के लिए है, वन के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है। अब यहाँ पर वन बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए हो जाएगा। अब वन बाय कोस ए का वैल्यू सेक ए होता है, फिर प्लस साइन ए बाय कोस ए का वैल्यू टेन ए होता है। जस्ट आर एच एस प्रूफ हो गया, इसको आप लोग एक दो बार तीन चार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर की ओर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें। तो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम को आप लोगों को बनाने का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींच लेना है यहाँ से यहाँ तक, और 8 सेंटीमीटर केंद्र से दूर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले OP का मध्य बिंदु निकाल लेना है, मध्य बिंदु निकालने के बाद यहाँ से एक वृत्त खींच लेना है इस तरीके से। वृत्त खींचने के बाद O से छोटा वाला बड़ा वाला वृत्त जहाँ पर कटेगा वहाँ से P को मिला देना है, PQ को, उसके बाद P को R से यहाँ यहाँ इधर से भी मिला देना है। बस सिंपली आपका रचना कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 46 नंबर की ओर। आकृति में एक चतुर्भुज OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई 3.14 लेना है। तो देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या OB, चतुर्थांश की त्रिज्या OB, तो यहाँ पर यह आपका मानकर चलिए कर्ण है, ठीक है, कर्ण है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट, यहाँ पर देखिए OA² + AB² वैल्यू पुट करेंगे, 20 20
बीस स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर तो 400 प्लस 400 800 हो जाएगा, 800 का सॉल्व करेंगे तो 20√2 निकल जाएगा। ये ओ बी का वैल्यू यहाँ पर 20√2। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, यहाँ पर चतुर्थांश इसलिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश 1/4 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे पूरा तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वन मिनट, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल तो सॉल्व करेंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कोई भी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विक्टर यानी कि डी, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3 है। विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर -4 के लिए 4 लिख देंगे। फिर a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है तो 2 × 3 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -24, 49 में 24 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा डी का वैल्यू। डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया, देखिए डी का वैल्यू जी से बड़ा आया तो मूलों की प्रकृति दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। द्विघाती सूत्र से देखिए x = -b ± √2a, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -b यानी कि माइनस के लिए माइनस और b के लिए -7 है तो अलग से -7 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस रूट डी यानी कि √25, नीचे 2a, 2 के लिए 2 लिख दें और a का वैल्यू भी 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे पूरा इसको हम लोग तो 7 + -5/4 आएगा। तो एक बार प्लस करेंगे, दूसरी बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे तो 12/4 आएगा और माइनस करेंगे तो 2/4 आएगा, यानी कि 12/4 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अतः मूल 3 और 1/2 है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 48 नंबर की ओर। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी या हो जाती है, यह प्रमेय 6.1। तो देखिए यहाँ पर लिखने आप लोगों को दिया है, त्रिभुज ए बी सी और बी सी के समांतर एक रेखा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ पर हम लोग रचना करेंगे बी ई तथा सी डी को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया, ई एन लंब ए बी खींचा, ई एन लंब ए बी खींचा और डी एम लंब ए सी, डी एम लंब ए सी खींचा। प्रमाण देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। बस हम लोग यहाँ पर 1/2, आधार ए डी है, ऊंचाई ई एन है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए त्रिभुज
बी डी ई इज इक्वल टू एक बटे दो गुना डी बी गुना ई एन, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब आगे देखिए, समीकरण एक को दो से भाग देने पर, एक को दो से भाग देंगे, बस यहाँ पर जो लिखा हुआ है बीच में बस लाइन खींच देंगे इस तरीके से, बटे लगा देना है, भाग दे देना है, बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम लिखना है। और इसको समीकरण तीसरा मान लेना है। समीकरण तीसरा मानने के बाद यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल टू एक बटे दो गुना ए ई गुना डी एम बटे एक बटे दो ई सी गुना डी एम इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, इसको समीकरण चार मान लेंगे। परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, समीकरण दो चार और पाँच से प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हल, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच और ए डी बराबर 4 मीटर, ए सी बराबर 9 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बटे ए सी बराबर 10 थीटा, ए बी का वैल्यू एच है, ए सी का वैल्यू यहाँ पर 9 है 10 थीटा, इसको समीकरण एक मान लेंगे। फिर देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे ए डी बराबर 10 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए बी एच है, ए डी 4 है, अब यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे हम लोग। समीकरण पहला दूसरा को गुना करने पर यहाँ पर देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एच बाय 9 इंटू एच बाय 4। अब यहाँ पर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 9 चौके 36 होता है, 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 36 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो 1 से गुना हो जाएगा, तो 36 बराबर एच स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर का दूसरे साइड लाते हैं तो रूट हो जाता है, तो एच बराबर रूट 36, रूट 36 का वैल्यू 6 होता है, एच बराबर 6 आ गया, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। इसका आप लोग ये वाला जो डायग्राम है इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो हल देखिए, r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर r बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी तो त्रिज्या ही हो जाएगा और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठोस का आयतन शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, शंकु यहाँ पर है और नीचे अर्धगोला है, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो ठोस आयतन निकल जाएगा, ठोस का आयतन। जब शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला में 1/3 πr² h, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एच बराबर आर है तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ हम लोग आर लिख सकते हैं, आर लिख दिए यहाँ पर। आर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एक पार्ट यहाँ पर है, दूसरा पार्ट यहाँ पर है, दोनों में हम लोग पाई बाय 3 r³
निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब निकाल देंगे तो अंदर बचेगा वन प्लस टू, दोनों को जोड़ देंगे तो तीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीन और तीन कट जाएगा, तीन और तीन कट जाएगा, पाई आर क्यूब बचेगा। अब पाई आर क्यूब, आर के स्थान पर आर का वैल्यू एक दिया गया है तो गुना एक लग लिखेंगे हम लोग, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक का क्यूब एक होगा इसलिए एक ही रहने देते हैं, एक को फिर से पाई से गुना कर देंगे तो पाई ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब यही इसका आंसर हो गया। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 52 नंबर, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपये 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों को बर्तन का आयतन ही बेसिकली निकालना है, ठीक है, आयतन निकालना है और आयतन के साथ में 20 रुपये प्रति लीटर के दर से उसका मूल्य भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, H बराबर 16 सेंटीमीटर, बर्तन की धारिता यानी कि बर्तन का आयतन 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग, पूरा का पूरा वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है उसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,449.92/1000 लीटर आ जाएगा इसका धारिता। अब देखिए 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मूल्य, बस 20 से गुना कर देंगे इसको हम लोग, 20 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208.99। तो इसको हम लोग 208 रुपया मान सकते हैं, 208 रुपया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 52 नंबर की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल यहाँ पर देखिए 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60 और 40, 50 और 50, 60 दिया हुआ है। बारंबारता 6, 8, 15, 9 और 8 दिया गया है। तो बहुलक वर्ग जो है वो 30, 40 है, बहुलक वर्ग 30, 40। देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा जो रहता है उसको बहुलक कहते हैं, तो बहुलक यहाँ पर 15 है, तो 15 का वर्ग अंतराल को ही बहुलक वर्ग कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको ध्यान देना है, इसमें से देखना है छोटा कौन है 30, यही हो गया आपका L। पहले बहुलक वर्ग, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सबसे पहले बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग में जो छोटा रहेगा वो आपका L हो जाएगा और माइनस करना है किसी भी वर्ग अंतराल में, माइनस करना है 60 में 50 माइनस करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है, 40 में 50, यहाँ पर देखिए 50 में 40 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा, 30 में 20 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा, तो h यानी कि हाइट 10 हो जाएगा माइनस करने से। अब देखिए f1 ये वाला आपका हो जाएगा f1, यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा जो रहता है वही f1 हो जाएगा। उसके बाद f0, इससे पहले वाला f0 या इसको f0 कह सकते हैं 8, फिर f2 9, फिर से मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, ये आपका f हो गया, ठीक है f, और पीछे आएंगे ये वाला तो f0, इधर आएंगे तो f2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप f1 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर f2 9 हो गया। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस वैल्यू पुट करेंगे, सब यहाँ पर दिया हुआ है, देख देख कर वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 35.38 इसका बहुलक आ जाएगा। तो इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को,
और इसके बाद क्लास टेंथ का मैथ का ही मैं आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, उससे देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और रिपीटेड क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।